हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। आज हम यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेशंस का पार्ट फोर, मतलब यहाँ जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का पार्ट फोर लेके आ रहे हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जानते रहिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, इसलिए इसमें हर साल आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इससे मिल ही जाने हैं। तो चलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए हमें अपने क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आया है, किस राज्य को फलों की डलिया कहा जाता है? ऑप्शन ए में आया है जम्मू कश्मीर, बी में है उत्तराखंड, सी में है हिमाचल प्रदेश और डी में है गोवा। तो जानते रहिएगा, फलों की डलिया कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। तो देखेंगे ऑप्शन किस में आया है, देखिए आया ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को यहाँ क्लिक कर देंगे। सेकेंड नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, मसालों का बगीचा कहा जाता है? ऑप्शन ए में है केरल, बी में है नासिक, सी में है मसूरी और डी में है कोलकाता। तो जानते रहिएगा, मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। तो देखेंगे ऑप्शन किस में आया, ये ऑप्शन नंबर ए, तो ए को यहां पे हम क्लिक कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए आया है, झीलों का नगर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? देखिए ऑप्शन में है ए में है लद्दाख, बी में है श्रीनगर, सी में है मसूरी और डी में है गोवा। तो जानते रहिए, झीलों का नगर कहा जाता है श्रीनगर को। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आया है, सात टापुओं का नगर कहा जाता है, तो किसे कहते हैं सात टापुओं का नगर? ए देखिए ऑप्शन है कोलकाता, बी में है मसूरी, सी में है जम्मू कश्मीर, डी में है मुंबई। तो जानते रहिएगा, सात टापुओं का नगर कहा जाता है मुंबई को। तो देखेंगे ऑप्शन कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन आया है ऑप्शन नंबर डी, तो डी को क्लिक कर देंगे। फिफ्थ नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? देखिए ए आया है ऑप्शन नंबर दिल्ली, बी में है मुंबई, सी में है बैंगलोर और डी में है कानपुर। जानते रहिएगा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। देखिए कानपुर कहाँ ऑप्शन आया है, ऑप्शन नंबर डी, तो डी को क्लिक कर देंगे। सिक्स नंबर देखिए क्वेश्चन है, पर्वतों की रानी कहा जाता है, तो पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? देखिए ए नंबर पे है मसूरी, बी में है मेघालय, सी में है जम्मू कश्मीर और डी में है विंध्याचल। तो जानते रहिए, पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को। तो देखेंगे मसूरी कहाँ आया है, यह है ऑप्शन नंबर ए, तो ए को क्लिक कर देंगे। सेवन नंबर देखिए क्वेश्चन है, महलों का शहर कहा जाता है, तो महलों का शहर किसे कहते हैं? देखिए ए नंबर पर है लखनऊ, बी में आया है कानपुर, सी में है कोलकाता, डी में आया है मुंबई। तो जानते रहिए, महलों का शहर हम कहते हैं कोलकाता को, तो कोलकाता कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, तो सी को क्लिक कर देंगे। एट नंबर देखिए क्वेश्चन है, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान है? ऑप्शन नंबर ए में है प्रथम, बी में है द्वितीय, सी में है तृतीय और डी में है चतुर्थ। तो जानते रहिएगा, पूरे विश्व में चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और पहले नंबर पे चाइना है। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है? देखिए ए नंबर ऑप्शन आया है गेहूं, बी में है चावल, सी में है सरसों, डी में है चना। तो जानते रहिएगा, भारत की प्रमुख फसल चावल है और देखेंगे किस में ऑप्शन है, या ऑप्शन नंबर बी, तो बी को क्लिक कर देंगे। अब देखिए, इसी को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में कौन सी फसल सबसे ज्यादा उगाई जाती है। अब उसमें आपका चावल भी ऑप्शन में आ सकता है और जानते रहिएगा धान भी आ सकता है, चाहे चावल आए या फिर धान, बात एक ही है। टेंथ नंबर देखिए क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए में आया है प्रथम, बी में है द्वितीय, सी में है तृतीय और डी में है चतुर्थ। तो जानते रहिएगा, दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, सबसे विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। और देखिए ऑप्शन किस में है, ये ऑप्शन नंबर ए, तो ए को क्लिक कर देंगे। और एक चीज जानते रहिए, अगर ये क्वेश्चन ऐसे घुमाकर पूछ ले कि भारत में विश्व में सबसे ज्यादा कहां पे मवेशी पाए जाते हैं, मतलब पशु पाए जाते हैं, तो भी ऑप्शन भारत ही जहां होगा उसी को चूज करेंगे। 11th नंबर देखिए क्वेश्चन है, फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान है, मतलब पूरे विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए ए में है प्रथम, बी में है द्वितीय, सी में है तृतीय और डी में है चतुर्थ। जानते रहिए, पूरे विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और पहला स्थान जो है वो है चाइना का। 12th नंबर देखिए क्वेश्चन है, भारत विश्व में कौन से स्थान पर उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर का उत्पादक और उपभोक्ता देश है? ऑप्शन ए में है प्रथम, बी में है द्वितीय, सी में है तृतीय और डी में है चतुर्थ। जानते रहिएगा, भारत का तीसरा विश्व में स्थान है उर्वरक के उत्पादक और उपभोक्ता देश के रूप में। और देखिए ये ऑप्शन किस में है, ये ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए सी को हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन है, मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, बी में है छत्तीसगढ़, सी में है गुजरात और डी में है कोलकाता। तो जानते रहिएगा, मूंगफली पूरे भारत में सबसे ज्यादा गुजरात में उगाई जाती है और ये देखिए गुजरात किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सी, तो सी को यहां क्लिक कर देंगे। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन है, तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए ए में आया है प्रथम, बी में है द्वितीय, सी में है तृतीय और डी में है चतुर्थ। जानते रहिएगा, पूरे विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का तृतीय मतलब तीसरा स्थान है और ये देखिए ऑप्शन किस में है, ये ऑप्शन नंबर सी, तो सी को क्लिक कर देंगे। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन है, अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में है श्रीनगर, बी में है मसूरी, सी में है गोवा और डी में है नासिक। तो जानते रहिएगा, अंगूरों की खेती के लिए नासिक शहर प्रसिद्ध है और देखेंगे नासिक कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, तो डी को क्लिक कर देंगे।
इसी तरह से और भी कई चीजें हैं जो पूरे विश्व में भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, वो कौन सी चीजें हैं? जैसे नोट, देखिए यहाँ नोट लिखा है, नोट, विश्व में सबसे अधिक भारत में उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? देखिए आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, नारियल, काली मिर्च, हल्दी, ये सब भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किए जाते हैं। तुम्हें भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आने हैं तो उसका आंसर क्या होगा क्या नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।